रंगोबारी होली के पावन पर्व पर मंडल एवं जनपद वासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा मंडलयुक्त जैन नालिकर डीआईजी राजेश डी मोडक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना की है। सभी अधिकारियों ने कहा कि रंगों का त्यौहार सभी के जीवन में खुशियों का रंग भर दे और लोग खुशहाली के साथ होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सभी का जीवन मंगलमय हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा मंडलयुक्त जैन नालिकर डीआईजी राजेश डी मोडक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्या एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, होली जैसे आपको पता है खुशी का त्यौहार होते हुए भी इसमें थोड़ी बहुत हुड़दंग, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती, कुछ थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती भी, ये सब शामिल रहता है। तो इसलिए बहुत एहतियात बरतना होता है हम लोगों को। जहाँ एक और होली को सकुशल रूप से और उसी पूरी रंग रूप के साथ मनाने की व्यवस्था देनी है, साथ में ये भी नहीं होने देना कि आपस में झगड़े, आपस में लड़े और होली की जो त्यौहार है, खुशी के त्यौहार, अंत में थाना चौकी में अंत हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। और कुछ समुदाय है जो इस से परहेज करते हैं, तो उनको साथ भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो और एक जो उमंग है, जो उत्साह है, वो उसको उन्हीं लोगों के आपस में सीमित रखे जो लोग इसके भागीदार बनना चाहेंगे। तो सड़क में विशेषकर सार्वजनिक स्थानों में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था, पेट्रोलिंग इत्यादि की है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा की बात है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी होली के जो त्यौहार हैं उसमें गोरखपुर में सम्मिलित होते रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें जो एहतियात और सुरक्षा के लिए काम करने होते हैं और प्रैक्टिस और जिससे लेके तमाम चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। सर, जनता के लिए आपके लिए क्या निर्देश है आपकी तरफ से? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, ये एक इतना सुंदर त्यौहार है, इसको उस त्यौहार को उसी हिसाब से, उसी सुंदरता और उसी भव्यता के साथ और उसी रूप रंग के साथ मनाया जाए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें परहेज होनी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो किसी प्रकार से त्यौहार जो है थाना चौकी में ना अंत हो, एक मतलब लड़ाई झगड़ा होने का ये सब अंदेशा रहता है। दूसरी बात, एक और पहलू है जो पर्यावरण से, स्वास्थ्य से संबंधित है, वो ये है कि कई सारे केमिकल का इस्तेमाल होली में लोग करने लगे हैं, वो जो कि सही नहीं है। कीचड़ है, गंदगी है, पेंट है, इससे ये होली तो बहुत सुंदर त्यौहार है, इसमें तो फूल के पंखुड़ियों से, रंगों से खेलने वाले त्यौहार में अब आप नाले के कीचड़ लगा देंगे किसी को, तो वो तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। और तमाम जगह पे झगड़े का जड़ शुरुआत यहीं से है, तो इसलिए कृपया इसे बचें। इससे स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं और जिसको आप ये कर रहे हैं उसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो प्यार मोहब्बत बांटने का, मजाक मस्ती करने का समय है, किसी को दुखी करने का अभिप्राय नहीं रहना चाहिए। अपने बच्चों पे थोड़े बहुत इसके लिए अब बुज़ुर्गों को जिम्मेदारी है कि बताएं और हमारे सहयोग करें। धन्यवाद। मेरी तरफ से गोरखपुर कमिश्नरी की संपूर्ण जनमानस को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि जैसे कि होली के विविध कलर, विविध रंगों से होली का पर्व शुभायमान होता है, उसी तरह जीवन के विभिन्न अंगों में आपके खुशियां आएगी और आपका जीवन शुभ, पूर्ण और मंगलमय होगा। धन्यवाद। मैं गोरखपुर रेंज के सभी नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये होली जो पर्व है ये खुशी का है और रंगों का है और मिलने का है, लोग आपस में मिलते हैं, तो इसको बहुत शांति से मनाएं और एक शांति का और प्यार का संदेश यहाँ से गोरखपुर से जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और कहीं पे भी लोग शराब पी के हुड़दंग ना करें और बहू बेटियों का सम्मान करें, और जो लोग रंग नहीं खेलना चाहते हैं उनके साथ ज़बरदस्ती रंग ना खेलें, सबका आदर सम्मान करें। ये त्यौहार है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के वजह से वैसे भी ही डायरेक्शंस जारी हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से हुए हैं कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं इकट्ठा होना है,
उनके तरफ से जो भी डायरेक्शंस दिए गए उसका पालन करें। और मैं ये कामना करता हूँ कि ये होली आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, आपके लिए हेल्थ लाए, वेल्थ लाए, और सभी के लिए मैं फिर से एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। देखिए तो 10 तारीख को यहाँ होली पर्व मनाया जाता है, उसके एक दिन पहले भी है, एक दिन बाद में भी दो तीन त्यौहार होता है, या होली मिलन समारोह होता है, उसके बाद फिर जलाया जाता है, उसके बाद रंग खेलते हैं और जुलूस भी कहीं निकला जाता है। मैं सबको इसी पर्व का बधाई देता हूँ। साथ साथ इसी समय में ये थोड़ा मौसम ख़राब है और कोरोना वायरस का भी अलर्ट है, अब थोड़ा सावधानी ज़्यादा बरतें और साफ़ सुथरी रखें, यही मेरा अपील है। जय हिंद, जय भारत। होली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग अपनी जितने भी गिले शिकवे हैं, दुख दर्द हैं, और अपनी जो दुश्मनी तक है, लोग भूलकर गले मिलते हैं। और मेरा यही मानना है कि पिछली बातों को भुला करके और लोगों ने बहुत हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाना चाहिए और एकदम शांतिप्रिय ढंग से भाईचारे के साथ खूब इंजॉय करते हुए होली मनाएं। होली पर कप्तान साहब के निर्देशानुसार हर जगह स्टार्टेको मोबाइल पार्टीज़ को डिप्लॉय किया गया है, साथ में हर जगह एंटी रोमियो और अन्य सभी टीमों को भी लगाया गया है, कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की सूचना हो तो तत्काल पुलिस को दें और हम हर तरह से प्रयास करेंगे कि किसी को भी कहीं ज़रूरत हो तो हम तुरंत पहुँच के उनकी मदद कर सकें। कि अपने आसपास सतर्क दृष्टि बना के रखें कि आपके आसपास कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, और किसी भी प्रकार की संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखे तो तत्काल हमें सूचित करें। और सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।